अभी मतगणना समाप्त हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी करीबन 1700 जीते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष, कहाँ चूक रह गई? चूक हमसे नहीं हुई है, चूक भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम किया, लेकिन कुछ विशेष तबके के लोगों ने मुझे धोखा दिया चुनाव में और वोट को एक विशेष तबके के तौर वो बदल दिया। चुनाव हमने नहीं हारा है, अब पार्टी नहीं हारा, एक विशेष लोगों ने हराने का प्रयास किया है। अच्छा, कहा जा रहा था कि सांसद का सपोर्ट आपको नहीं, ये हम नहीं बता सकते किसका सपोर्ट मिला या नहीं मिला, ये प्रदेश नेतृत्व को खबर चला गया है, प्रदेश नेतृत्व इस पर निर्णय करेगी। क्या लगता है कि विधायक और सांसद ने आपको धोखा दिया? नहीं, ये हम नहीं बता सकते, तो संगठन की चीज है, संगठन ऊपर में खबर। लोगों ने धोखा दे दिया? हम तो बता दी, नहीं नहीं, कुछ विशेष वर्ग जिसका विशेष वर्ग नेतृत्व करते हैं उसने मुझे धोखा दिया। हाँ हाँ, पार्टी के लोग ही हैं। तो कहा जा रहा है कि सवर्ण जाति का वोट आप, हम ये बात कैसे, हम तो बोले विशेष लोगों के वोट मुझे नहीं दिया गया और विशेष उसका नेतृत्व जो करते हैं उन्होंने नहीं देने दिया। तो आप खुद जिला अध्यक्ष हैं, तो कैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो प्रदेश नेतृत्व करेंगे ही। राजेंद्र अग्रवाल हमारे चुनाव प्रभारी थे, प्रतिदिन के रिपोर्टिंग हुआ है कौन क्या कर रहा था, कौन क्या नहीं कर रहा था। मतलब कुछ विशेष लोगों के चलते ये हार हुई? नहीं, ये हमारी हार, हमारी जनता ने हमें वोट दिया, 5000 मत हमको दिया, ये मेरे मेहनत और मेरे जो नीचे तबके कार्यकर्ताओं हैं उनकी मेहनत पर दिया। पार्टी के कुछ लोग जिम्मेवार हैं, विशेष लोग जिम्मेवार हैं। आप इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते? नहीं, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ। इस हार के बाद आपको पार्टी जिला अध्यक्ष रहेंगे? हाँ श्योर, मैं जिला अध्यक्ष रहूंगा, जिला अध्यक्ष तो मेरा है ही है, जिला अध्यक्ष मुझे कौन हटाएगा? जिले में खुद आप चुनाव हार गए तो जिला अध्यक्ष, जब कप्तानी चुनाव हार गया तो पार्टी पे असर? नहीं, चुनाव एक अलग चीज है, जिला अध्यक्ष चलाना एक अलग चीज है, चुनाव एक अलग चीज होता है और जिला अध्यक्ष का पद एक अलग चीज होता है। और मैं जिला अध्यक्ष चुन नॉमिनेट में नहीं हुआ, इलेक्टेड पर्सन से मैं जीत कर आया हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं।